घनी कुल 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 मैं छोरी। अरे वाह, क्या बात है, सब लोग मुझे आशीर्वाद देते हुए जाएं। ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी वेरी सॉरी। नमस्कार मैम। नमस्कार। माहौल रंग बिरंगा कर दिया है। अच्छा सा लगने लग गया एकदम से ना? पूरा माहौल ही बदल गया, कुछ एक्साइटिंग लगने लगा, रंग बिरंगा सा हो गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए शुरू करिए। थैंक यू। शिल्पा जी लव यू। अरे छोरी फंस गई रे, फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रा, तारा, तारी। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत स्वरांजलि, आप इतनी सुंदर लग रही हैं। क्या आपने तो मतलब मजा आ गया, तो झूमने लग गए आपके साथ। थैंक यू सो मच मैम, सो नाइस, थैंक यू।
okay, okay. Oh. You do. You do. Yeah, पूर्वज हमारे दादा परदादा उसी आस्ताने से जुड़े रहे और यही हमारे ब्लड में चला आ रहा है। दरगाह हजरत निजामुद्दीन अलिया महबूबे इलाही, समझ लीजिए हमारी सारी पहचान, हमारा वजूद वहीं से है और वहाँ पर जो हम कव्वाली पेश करते हैं वो हमारे लिए इबादत है और कव्वाली से बेहतर माध्यम हमें लगता है कि उस ऊपर वाले से जुड़ने के लिए हमारी नज़र में कोई और नहीं हो सकता। पहले जो कव्वाली पेश होती थी उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते थे वो तबला, ढोलक, हारमोनियम। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता माहौल चेंज हुआ और हमने ख़ास तौर पर जो एड ऑन किया कीबोर्ड, गिटार और साथ में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं बैंजो। ये ऐड करने की सबसे मेन वजह यही है कि जो लोग वेस्टर्न म्यूजिक पसंद करते हैं वो भी कव्वाली से कनेक्ट हो जाए, जिससे कि यंगस्टर कव्वाली को सीखें
कवाली कभी खत्म ना हो, ये हिंदुस्तान की परंपरा है, कल्चर है, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। किरण जी, महफिल में बार बार उन्हीं पर नजर गई, महफिल में बार बार उन्हीं पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई, और उनकी निगाह में कोई जादू जरूर है, जिस पर पड़ी उसी के जिगर में उतर गई। तेरा जलवा जो पाऊं मैं हर गम भूल जाऊं, ये आंसू जो है बहते बस इतना ही ये कहते, कहां तू और कहां मैं, मजेदार, मतलब माहौल जम गया। कैसा इन्होंने समा बांध के रखा। एग्जैक्टली, थैंक यू। वाह वाह, पकड़। आजकल तो चलो डिजिटल का जमाना है, आज के टाइम में आप कैसेट और रिकॉर्ड ढूंढने जाओगे ना, वो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में बिकते हैं। बिल्कुल। तो अभी आपको लग रहा है कि यार हम पुराने हो रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप इतने महंगे हो जाओगे ना आप लोग। मुझे नहीं लगता आपको कोई इम्प्रोवाइजेशन करने की जरूरत है, जैसे अच्छा शेर सुनाने वाले होते हैं ऐसे ही अच्छे शेर सुनने वाले भी होते हैं। वाह क्या बात है, सही बात। तो जिनको कवाली समझ आ रही है उन्हीं के लिए है,
जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें होती है वो कुछ लोगों के लिए ही होती है, तो आप इस चीज की फिक्र ना करें हमें कौन सुन रहे कौन नहीं सुन रहे, जो आपको सुन रहा है वो बहुत लकी है, आप वही करें जो आप कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जरिए मैंने कनेक्ट किया ऊपर वाले से आज, कमाल कमाल गाया आप सभी ने, और आप सभी को आपके हुनर को मेरा हुनर सलाम। मेरे लिए बहुत बड़ी हाँ, आपके लिए हाँ, कव्वाली के लिए हाँ, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत प्यार से हाँ। शुक्रिया मैम, थैंक यू। मुझ में हिम्मत नहीं है आपको ना करने की, तो मेरी तरफ से हाँ। थैंक यू, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।